हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यह केक मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाऊंगी और उम्मीद है आप लोगों को यह केक रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमने बिल्कुल ही एक सिंपल कटोरी का यूज किया है, जैसे कि हम घर में हमेशा ऐसा रखते हैं, तो ऐसा ही एक कटोरी हम यूज करेंगे। इस केक को बनाने के लिए हमें किसी बेकिंग ट्रे की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसमें हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब ये देखिए, एक छोटा सा हमने गोल पेपर काट के रखा हुआ है, आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम इसके अंदर ऐसे सेट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने एक कटोरी में तेल लगाकर और उसमें ये कागज डालकर रख दिया है। अब सेकेंड स्टेप में हम एक प्लेट लेंगे और एक छानने के लिए हम कुछ रखेंगे और एक कटोरी मैदा लेंगे। मैदा डालने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच हम बेकिंग सोडा डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें 3 अंडा इसको हमने चेक करके रखा है, तो इसे हम डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से फेंट लिया है, आप किसी चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। अब इसमें हम आधी कटोरी के करीब में पाउडर शुगर डालेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। सारे पाउडर शुगर को यानी चीनी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, बाकी का भी चीनी हम इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। चीनी डालते समय अगर आपको लगे कि ये ज्यादा मीठा हो जाएगा तो थोड़ा आप कम भी डाल सकते हैं। 3-4 मिनट तक इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। 3-4 मिनट हमने इसको फेंट लिया है। अब इसमें आधी कटोरी के करीब में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। फिर से इसको 1-2 मिनट हम फेंट लेते हैं। इन सारी चीजों को हमने 3-4 मिनट तक फेंट लिया है। इसको जितना हम फेंटेंगे ये उतना ही ज्यादा फ्लफी होगा और केक बनाने के टाइम में ये उतना ही ज्यादा फूलेगा, तो इसको जितना ज्यादा फेंटेंगे वो अच्छा बनेगा। तो अब इसमें हम मैदा डाल देंगे जो हमने छान कर रखा था, तो इसमें मैदा के साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी है, तो इसको अब हम डाल लेते हैं। और आधी चम्मच के करीब में हम इसमें वेनिला एसेंस भी डाल देंगे और अब हम अच्छे से इन सारी चीजों को 5-7 मिनट तक या जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको फेंटते ही रहेंगे। मैदा डालने के बाद देखिए हमने इसको 5 मिनट तक फेंट लिया है, अब ये देखने में ऐसा लग रहा है। तो इसको हम जितना फेंटेंगे ये उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। तो अब इसमें हम आधी कटोरी दूध डाल लेंगे। दूध डालने के बाद इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए फेंट लेंगे ताकि दूध और बाकी सारा चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। केक बनाने में सबसे ज्यादा टाइम इसको फेंटने में लगता है, क्योंकि जितना अच्छा से हम इसको फेंटेंगे वो उतना अच्छा ही इसका केक बनेगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा टूटी फ्रूटी डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों को इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। इसे डालने के बाद इसे हम एक बार मिला लेंगे। ऑयल लगा के हमने जो कटोरा रखा था उसमें हम ये केक का बैटर डाल देंगे। ऊपर से हम थोड़ा और टूटी फ्रूटी डाल देंगे, थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे से सजा देंगे। अब इसको हम 1-2 बार टैप कर लेंगे, इससे क्या है इसके अंदर की जो एयर है वो निकल जाएगी। अभी हमारा तैयार है, अब इसको हम बेक कर लेते हैं। इसको बेक करने के लिए हमने तवा का इस्तेमाल किया है, तो हमने एक लोहे का तवा लिया है, इसको हमने गर्म कर लिया है पहले से और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है। अब एक बड़ा सा प्लेट लेके हम इसको अच्छे से ढक देंगे, तो इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। इसको ढकने के बाद हम 30-40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। 40 मिनट करीब हो चुके हैं, अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारा केक बिल्कुल ऊपर तक फूल गया है और ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसमें एक नाइफ डालेंगे। देखिए ये चाकू बिल्कुल साफ है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। अब इसको इसे ज्यादा नहीं पकाना है, अगर इसमें लगा रहता तो हमें इसको और पकाना पड़ता,
लेकिन ये अब अच्छे से हो गया है। तो गैस हम ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो केक हमारा देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको हम अब निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा बना है और इसको बहुत ये बहुत ही अच्छा फूल भी गया है, बहुत ही फ्लफी हुआ है। ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है, तो इसको हम साइड से एक बार काट लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा स्पंजी हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप भी ऐसे केक जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स हमारा स्पॉन्जी केक एकदम रेडी है, आप भी इस केक को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये केक रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।